लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खाली बाटली है क्या? अरे नहीं रे, खाली बाटली किधर से लाऊं? हाँ कैसे होगी, अरे चाची चाचा को बोल घर में दारू पिएगा, घर में पिएगा तो तू दारू की बाटली मुझे दे देना। क्या खाली डब्बा? ए खाली डब्बे वाली लड़की, हमें इलेक्शन की लिस्ट बना रहे हैं, तेरा नाम क्या है? हाँ लिखो, तुलसी। बाप का नाम? मेरा बाप तो सारा मोहल्ला है। तो तेरी माँ मर गई हो? ए जाती शान पट्टी नको, दिखता नहीं क्या तेरे को? ये सब मेरी माँ है, फुटपाथ पे मिली थी मैं इनको, जिन्होंने मेरे को बाल पोस के बड़ा किया, समझा? खाली डब्बा। खाली बोतल। अरे बारे मेरे डाल के डब्बे। ए, दिखता नहीं क्या रे? ए जाती लाइट आने मारने का, खुद तो धक्का मारा खुद ही चल के बोलता है। ए, खुद तो खाली बोतल की तरह टन टन आती फिरती है और बोलती है कि मैंने धक्का मारा। तो क्या मैंने धक्का मारा? अरे मैं धक्का मारूंगी तो किसी राजा भोज को, तेरा जैसे गंगवा तेली को तोड़ी, रास्ते में 36 मिलते। तूने मेरे को गंगवा तेली बोला? हाँ, और ये शुक्र मना मैंने तेरे को गदा और बैल नहीं बोला, गंगवा तेली। तेरी तेरी तो गंगवा तेली मारू, देख मैं इसको फोड़ डालूंगा आज। अरे ठहर जा, डालने का डब्बा। अरे बचाओ, गंगवा तेली आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे कैसा बोलती है गंगावा तेली, तेरे बदन का तेल नहीं निकाला तो राजा भोज चाहिए। ए गंगवा तेली, अरे बोलती है गंगवा तेली। ए तू फिर ये कौन है? अरे ये सर तुम, मैं तेरा गला दबा दूंगी। एक मिनट एक मिनट, मुझसे गलती हो गई, मैं समझा वो निकली तू। क्या? ए नहीं नहीं, क्या मैं तेरा मालिश किया है ना? मालिश? लगता है तुझे बदन पे मालिश करने की खूब आदत पड़ गई है, आज मैं तेरी ये आदत हमेशा के लिए छुड़ा कर रखती हूँ। ये और ये बदन पे मालिश और जूतों की बारिश क्या काफी है? अरे चाचा मुझे बचा। चाचा हट जाओ सामने से, मैं और जिसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ेगी, क्या जुर्म किया? अरे चाचा क्या है, मैंने इसके बदन की दो चार बार मालिश कर दी। तो फिर तुम इसकी मालिश कर दो, दो तीन बार। मैं ले जाऊं तेरी तो? अरे ना ना ना, पत्थर से नहीं, पत्थर से नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अपन वो है जिसे देख के मौत भी खड़ी होकर सलाम करती है क्या? आगे से अपन को देख के तू खड़ा नहीं हुआ ना तो तेरे को इसी कढ़ाई के बीच में बिठा कर तल देंगे क्या? ए मन का शकल देख ठीक तरह, हर शनिवार को मन का तेरे पास आएगा, पहले अदब से खड़ा होना, सलाम करना और उसके बाद 200 रुपए दे देना। 200 रुपए? 200 रुपए किस बात के? हफ्ता भर तू जो सांस लेगा उसकी कीमत क्या? दे दूंगा भाई, बाप दे दूंगा बाप। ये क्या तुम्हारी आती है? ये तेरे को आदमी नजर आता है क्या? मुर्दा घाट के कुत्ते हैं कुत्ते। अरे मैं नहीं जानता,
होटल का बिल है 20 रुपए बता सकता। छुट्टा बनता छुट्टा। छुट्टा नहीं, हम हमेशा पूरा पैसा देते हैं। सोच ले, सिंगल रहना है या डबल। 20 रुपए 50 पैसे नहीं, 250 रुपए दे देना, वरना दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा साहब दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। इस मोहल्ले के 98 और 94 तो सब मिल गए, पर तू 91 कहाँ रह गया था? अब एक काम करना मुन्ना, कल जब घर से आना तो 150 रुपया लेकर आना। लेकिन 150 रुपया किस लिए? तेरे को मालूम नहीं है क्या? अपन इस मोहल्ले के अंदर एक दारू का भट्टी खोले लाए। उस भट्टी में से दारू पी के जो आदमी मरेंगे ना, उसके बच्चे होंगे अनाथ। उन अनाथ बच्चों के लिए अपन को अनाथ आश्रम खोलने का है क्या? लेकिन ये तो सरासर जुल्म है। अबे आए। ज्यादा आवाज नहीं मांगता है क्या? कल सवेरे तक 150 रुपए लिए नहीं आए ना, तेरे दोनों हाथ काट के फेंक देगा। चलाट शंकर, बेटा जरा सुन, इधर आ। ये 150 रुपए है, दे दे उनको। मां, गरीबों का खून जब सांचे में ढलता है तो ये सिक्का बनता है, और जब ये सिक्का बाजार में तुलता है तो किसी गरीब के भाई को किताबें मिलती हैं, कॉलेज मिलता है, आने वाले सुनहरे कल की उम्मीदें मिलती हैं। मैं ये पैसा उन्हें नहीं दूंगा मां। अशोक की पढ़ाई नहीं रुकेगी बेटा, जो घर के खर्च के लिए पैसे रखे हैं ना वो भेज देंगे। तो फिर इस घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये गरीब का झोपड़ा है, किसी अमीर की हवेली नहीं, जहां सिर्फ किसी के मरने के बाद ही चूल्हे का जलना बंद होता है। तो फिर समझ ले, आज से हम भी अमीर हो गए। अब इस घर में मेरे मरने के बाद ही चूल्हा जलना बंद होगा। ना शंकर, ना, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसी बात पर कभी जुबान पर भी मत लाना। पता नहीं क्यों आजकल मुझे भूख भी नहीं लगती, बूढ़ी हो गई हूं ना। और देख बेटे, तू भी एक टाइम ही खाना खा लेना, पर इतना पानी पी लेना। कहां कहां का पानी पीऊं मां, तेरी आंखों का या म्यूनिसिपलिटी का? मुझे पानी पी पी कर गुजारा करने से इनकार नहीं, लेकिन जुल्म सह सह कर जीना मेरे लिए मुश्किल है, और आज मैं वो मुश्किल आसान कर दूंगा। या तो वो जालिम जिएगा या तो मैं। नहीं शक्कर, नहीं बेटे, मुझे जाने दे मां। नहीं बेटे, मैं कहता हूं मुझे जाने। जुल्म सह सह कर मेरे लिए जीना मुश्किल है। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। लीडर बनने का शौक है तुझे, गवाही देगा तू। ले और ले। इन्हें बचा लीजिए भाई साहब, इन्हें बचा लीजिए। आप खड़े खड़े क्या देख रहे, इन्हें बचा लीजिए भाई साहब। बिल्ली, अब तू इन्हें, आप इन्हें बचा लीजिए, कुछ बोलिए।
मेरा क्या होगा? मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों से जवान किया है, आज तू मेरी बात नहीं मानेगा? क्या मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं? मां, मां तू अधिकार की बात करती है। अरे मेरा बस चले तो मैं अपने खून के हर कतरे पर मां लिख दूं। शंकर। हां मां, तेरी कसम मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुन्ना ले आए पैसा? ये पैसे मेरी मां की मुंह की रोटियां हैं। मेरे पैसे किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। झूठ बोलता है साला। मैं मां के नाम के साथ जो कुछ भी बोलता हूं सच बोलता हूं, इसलिए कि मां का नाम मेरे लिए कसम के बराबर है। और आप उनका नाम मौत के बराबर है जो झूठ या सच नहीं जिंदगी का फैसला करता है। क्या जाओ अपने अम्मा से जाकर पैसे ले आओ। मां ने ही पैसे दिए थे, अब घर में भी पैसे नहीं है। अच्छा, मरने वाले मरते हैं मगर मौत की आवाज नहीं सुन पाते। सुन ली ना मौत की आवाज? ये वो डंडा है जो बदन पे पड़े तो चमड़ी फटती नहीं, दर्द हड्डियों तक घुस जाता है। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? रोको इसे। तुमने शंकर को अपनी गोद में खिलाया है, उसे बचा लो। बाबा, तुम तो शंकर को अपना बेटा कहते हो ना? कम से कम शंकर, अरे तू लड़ता क्यों नहीं? इसे लकड़ियों की तरह चीर फाड़ क्यों नहीं देता? नहीं, मैंने माँ की कसम खाई है मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो तूने अम्मा की कसम खाई है? 20 बरस पहले तुमने अपना सुहाग खो दिया था माँ, आज अगर तुमने अपनी कसम वापस नहीं ली तो अपना बेटा खो दोगी। शंकर, मत मारो मेरे बेटे को, मैं दे दूंगी तुम्हारे पैसे। मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो। अच्छा, तो तू है वो झांसी की रानी जिसकी ये पूजा करता है? हाँ, शंकर को बाइज्जत रिहा करती है
और दारा को गुंडागर्दी फैलाने के जुर्म में 6 महीने की सजा बामुशक्कत दी। अपन 6 महीने के लिए अंदर जा रहे क्या, और जब तक अपन अंदर है ना, तेरा एक एक सांस गिनता रहेगा, और तब गिनना बंद करेगा जब अपन जेल से बाहर आके अपने भाई के खून के बदले में तेरे और तेरे खानदान के एक एक खून गटर में बहा देगा। क्या जब गिद्धड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है, जब तेरी मौत आएगी तो मोहल्ले में आना। अब आया ना बाद में नमक, पकड़ेला है तू, अब आएगा टकराने में मजा। क्या चलो